आपके 1.2 से 2.2, 3.2 जल्दी हो, और आप सब देखते रहे इनका शो, बहुत सारा प्यार दें, और थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंटरव्यू के लिए, और आप सबको, पूरे कलकत्ता को, पूरे नगर में, तो से बहुत सारा प्यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर हमारा मॉल टूट रहा है, आप चले जाओ प्लीज। रोगित का ऑडिशन का ही एक अलग सा माहौल होता है, यहाँ से बचने का कोई चांस नहीं है। बाग उठे जब बाग टाइम, यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा, यू नो। मेहनत और हिम्मत की जैसे मैं जोड़ी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ, हाँ मैं रोडी हूँ। वेलकम टू शर्मिला शो हाउस, दिस इज सूचना, योर होस्ट, एंड आज मेरे साथ जो है वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं आपके ऐसा कोई एपिसोड नहीं था जो मैंने नहीं देखा। थैंक यू सो मच। तो वेलकम टू कोलकाता एंड वेलकम टू शर्मिला शो हाउस। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज मैं आज हम यहाँ पे है, ये जो कैफे है, तो कैसा लग रहा है कोलकाता में आके? I'm very happy, मैं 6th or 6th टाइम आ रहा हूँ ना कलकत्ता में, और हमेशा ही खुशी होती है मुझे कलकत्ता में आकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा, यू नो। और लोग, मतलब यहाँ पे मैं मॉल में आया था एक बार, तो वो मॉल मुझे भागना पड़ा था, मतलब ऐसा था कि मैं टैक्सी में भागा था कि यू नो, क्योंकि मॉल ने मुझे हाथ जोड़ के बाहर निकाला था कि सर हमारा मॉल टूट रहा है, आप चले जाओ प्लीज। सो मुझे इसलिए बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे, तो मैं बहुत, मुझे मज़ा आता है, और आई लव यहाँ खाना, स्ट्रीट फूड, everything, yeah. तो कोलकाता में आगे कभी फुचका ट्राई किया? मैं आता ही, मतलब मेरे को ना गोलगप्पे वैसे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं जब सबसे पहले आया था तो मैंने बोला कि गोलगप्पे खाने हैं, तो उन्होंने बोला फुचका, मैंने कहा गोलगप्पे, अरे हाँ सर यहाँ फुचका बोलते हैं, मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मुझे खाने हैं, तो यस मैंने ट्राई किया मुझे। अच्छा, ये जो रोडीज का जो एंथम है और आपने गाए है वो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोडीज एंथम हम सबकी बहुत क्लोज है, क्योंकि हम रोडी से बहुत प्यार करते हैं इस शो से, है ना, या और मैं उसका पार्ट हूँ, मैं इस शो से, मैंने लाइफ में बहुत कुछ पाया, और हम बहुत लोगों का ड्रीम भी, और बहुत लोगों ने इसमें कुछ बहुत कुछ पाया, तो मुझे था कि इस शो के लिए कोई एंथम होनी चाहिए अच्छी जो सभी गाएं, तो इसलिए ये हर साल यही एंथम सुनने को मिलेगा। जब तक कोई ऐसी नई एंथम नहीं आएगी, कोई निकाल पाएगा, और अगर अगले भी निकालूंगा तो शायद मैं ही निकालूंगा भी, है ना, तो यस ये अगर आप सुनेंगे तो आज के टाइम की ये पूरी सच्ची बातें हैं जो इस जो जर्नी में होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, सो मोटिवेट करने के लिए एक्चुअली गाना है सबको, कि हमारा लास्ट ईयर से लेके अभी तक लोग बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, यू नो, कोविड की वजह से काम खत्म हो गए लोगों के, तो ये गाना उनको सिर्फ पुश करने के लिए है, उनको बूस्टअप करने के लिए, कि लाइफ खत्म नहीं हुई है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हमें सिर्फ जीनी है, और कल हमारा बहुत ब्यूटीफुल होगा, हमें सिर्फ कल पे विश्वास रखना है। जैसे कि आपने बोला कि कोविड के टाइम पे सब कुछ एकदम खराब सा हो गया था, और रोडी से ट्रैवल शो है, तो आप लोग कैसे मैनेज की हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, यू नो, जब रोडीज चल रहा था तो हम 15 दिन की शूटिंग कर चुके थे, तो शो बीच में बंद हो गया था क्योंकि कोविड हो गया था ना, सब शूटिंग्स बंद हो गई थी, तो हम वापस पहुंचे, और जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो मुझे कोविड हो गया था, है ना, तो मैं जा नहीं पाया था उस शो में, ना रफ्तार आ पाया था, सो क्योंकि ट्रैवल शो हमें बंद कर हमें फिर एक जगह में, एक ही जगह में शूट करना पड़ा, क्योंकि हम इस शो को बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये शो बहुत लोग देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए हम हमेशा काम करना चाहते हैं, सो हमने वो एक ही जगह पे शूट रखा, 15 दिन पहले हम सब, वो सब चले गए थे, यू नो, अपने वो क्वारंटाइन करने के लिए, सबकी टेस्ट हुए, कोई बाहर का अलाउड नहीं था, तो फिर वही अंदर के लोग सेफ तरीके से, ताकि किसी कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तो फिर इस साल अब कैसे अरेंज करेंगे? इस साल भी ऐसे ही होगा, यू नो, कि हम ऑनलाइन ऑडिशंस लेंगे, और उसके बाद एक ही जगह जाकर सब ऑनलाइन ऑडिशन का, रोडीज का ऑडिशन का ही एक अलग सा माहौल होता है, और अब ऑनलाइन तो बहुत बहुत ही, पर मुझे लगता है ऑनलाइन कुछ लोगों को फायदा भी मिलेगा, कि जो लोग आ नहीं पाते थे, है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या उनकी फैमिली आने नहीं देती थी, तो वो घर पे बैठ के ऑडिशन दे सकते हैं, और अगर वो सिलेक्ट होते तो वो अपने घर पे बनाकर आ सकते हैं कि पापा मैं या मम्मा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, अब तो मुझे मतलब मौका मिल रहा है ऐसा, तो उनके लिए बहुत फायदा, बहुत ज्यादा। तो मैं एक क्वेश्चन, मुझे लगा था कि मैं जब प्रिंस से मिलूंगी तो मैं ये क्वेश्चन जरूर करूंगी जी। आपके बहुत ज्यादा लेडीज फैंस है, आपके लिए पागल है सब, तो युविका कभी रिएक्ट करता है कि नहीं? उसे तो खुशी मिलती है, मतलब उसे तो अच्छा फील होता है कि जब लोग मुझे प्यार करते हैं, और हमें सबको ऐसा ही होता है कि हम सब काम करते हैं ताकि लोगों का प्यार मिले, तो जब प्यार मिलता है तो जो ऐसे अगर चिन्ह लग गया तो फिर पता नहीं। अच्छा, तो मेरे पास कुछ रैपिड फायर सा है, यू हैव टू आंसर। या ओके, मैं पकड़ूंगी। हां चलो, फर्स्ट वाला है बिग बॉस और स्प्लिट्सविला। बिग बॉस और स्प्लिट्सविला, या ऐसा नहीं, ये वाले शो नहीं कर सकता मैं, ये तो दोनों करूंगा ना, मैं दोनों जीताऊंगा, ऐसे कैसे। अच्छा नेक्स्ट इज, अच्छा तो मैं ये बोल दूं कि 5 क्वेश्चंस है, तो 5 का अगर ये हुआ कि एक भी आंसर आप
आपको यू आर लाइक अनबायस्ड, तो आपको मैं एक टंग ट्विस्टर दूंगी, वो बंगाली टंग ट्विस्टर है और आपको वो बोलना। ओके, नेक्स्ट इज पंजाबी फूड और डाइट फूड। पंजाबी फूड। डाइट फूड फिर? मैं पंजाबी फूड खाऊंगा, मेरा आंसर है, मेरे मर्जी दो, मुझे खाने का शौक है। अच्छा, नेक्स्ट इज रणवीर जय और निखिल चिनप्पा। टंग ट्विस्टर। अच्छा, नेक्स्ट है फैशन ओवर कंफर्ट और कंफर्ट ओवर फैशन? कंफर्ट ओवर फैशन। कंफर्ट, वो तो आपको देख के लग रहा है कि एकदम। या मैं हमेशा, मेरे को कुछ भी मिले, मेरे को इट डजंट मैटर कि वो ब्रांडेड है या नहीं है, मुझे सिर्फ उसमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए, मैं वही पहन के निकल लूंगा। अच्छा, कभी लुंगी ट्राई की है? यस, रोडीज में ट्राई की है, वैसे भी ट्राई किया, हम जब साउथ गए थे तो हमने वहां पे टास्क किया था लुंगी पहन के। अच्छा, नेक्स्ट इज हम सब जानते हैं कि आपके लिए ऐसा बहुत ही कम चीज है जो आपको डर लगता है, तो ऐसा कुछ है जिससे आप डरते हो? अब मुझे फ्लाइट से डर लगता है। अच्छा, हाइट्स? फ्लाइट से। अच्छा अच्छा, मैं फ्लाई बहुत करता हूँ ना, तो अब कहीं ना कहीं मुझे डर लग गया, मुझे लगता है कि यार यहाँ से बचने का कोई चांस नहीं है, अगर कुछ होगा है ना, कि और कहीं से मैं बच सकता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं है। और मुझे भी लाइफ में ना, पहले मैं सिर्फ जब अपने लिए जीता था तब डर नहीं लगता था, अब मैं मतलब फैमिली को लेकर, वाइफ को लेकर और बाकी लोगों की, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक मकसद हूँ उनका सबका है ना, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सब क्या करेंगे, सो इसलिए डर लगता है। So, and the last question is, अगर एक साथ युविका और तुम्हारे माँ ने बुलाया तो पहले किसके पास जाओगे? मम्मा के पास। मुझे लगा कि ये आंसर भी टंग ट्विस्टर होगा। नहीं, क्योंकि युविका को तभी खुशी मिलेगी जब मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, क्योंकि उसके भी मम्मा है, जब उसकी माँ आवाज मारेगी, अगर वो, मैं तो धक्के मारूंगा तो जाओ उधर, क्योंकि उसको वही वो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे माँ बाप को संभालना। अच्छा, तो दो ऐसे क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर नहीं दे पाए, तो टंग ट्विस्टर ये है, बंगाली टंग ट्विस्टर, आपको बोलना है बाबला गाछे बाघ उठे छे। बाबला गाछे बाघ उठे छे। बाघ उठे छे, बाघ टाइगर। अच्छा, बागला बाबला गाछे, बाबला गाछे बाघ उठे छे, बाबला गाछे बाघ उठे छे। वाओ। Hey guys, this is Shormila Maiti from Shormila Show House, and please subscribe my channel, click the bell button for more updates.